जगत की गतिविधियों देखने व समझने वाले प्राणी जानते और मानते हैं कि मैं समय की गतिशीलता में व्याप्त एक सचेतन झंकार हूं। मैं ओंकार देवर्षि नारायण स्वतंत्रता से दैत्य गुरु आश्रम में आते देख महासुर दैत्य शत्रु कच्छ की सर्वनाश अंतिम व्यवस्था करने की घोषणा करता है। भोलेनाथ का संकेत पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य नारद को कच्छ की सुरक्षा के प्रति सदा सावधान रहने का विश्वास दिलाते हैं। उधर रात्रि में असुर कच्छ की हत्या करने में सफल रहते हैं। स्वतंत्र हो जाओ पुत्र। कैसे मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? चिंतित न हो वत्स, अब तुम नित्य संजीवनी विद्या के साधन हो गए। पूरा उधर चीर कर बाहर आ। नहीं गुरुदेव नहीं, ये असंभव है। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने गुरु का जीवन संकट में डाल दूं? मुझे ये मार्ग स्वीकार नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है वत्स। नहीं गुरुदेव नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन को संकट पहुंचाकर मैं उसे पुनः सुरक्षित कर सकता हूं। ये जानकर भी तुम्हारी उद्विग्नता का कारण क्या है? मैं एक क्षण के लिए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, और यदि ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा हो तो। तो वास्तव में बृहस्पति के पुत्र कहना नहीं हो, गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण अविस्मरणीय है, किंतु मैंने पूरे रात को वचन दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊर्ध्वगामी है। ये तुम्हारी परीक्षा भी है वत्स, बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम इसे गुरु दक्षिणा भी मान सकते हो। गुरु का जीवन संकट में डालने की गुरु दक्षिणा, मेरा सर्वस्व कांप रहा है गुरुदेव, हृदय शिथिल हो रहा है। कच्छ पूर्णतापूर्ण बात मत करो, सांस करो और बाहर चले आओ। तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो, हमारा उदर दीर्घ डर के तो कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मित्र संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर दे। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा। बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ, we'll be right back.
जीवन बलिदान कर दिया। आपकी मृत्यु के लिए मैं निमित्त बना। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। आने वाली पीढ़ी भविष्य में मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम तग्रता।